रातों रात कब्जा किए तालाबों को पुराने स्वरूप में लाने की तैयारी। डीसीएलआर के सामने कब्जाधारी का सामान जब्त। आरोपी बोले कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दरभंगा जिला में रातों रात कब्जा किए गए तालाबों पर जिला दंडाधिकारी के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। सदर अंचल अधिकारी इंद्रासन शाह और डीसीएलआर संजीत कुमार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में गायब हुए पोखर पर पहुंचे। जमीन से कब्जाधारी के सामान को जब्त कर बांस के बने झोपड़ी को तोड़ दिया। जमीन को जेसीबी मशीन से खोदकर तालाब को पुराने स्वरूप में लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं जमीन पर मालिकाना हक जताने वाले यशवंत कुमार मंडल ने कहा कि वह इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। डीसीएलआर संजीत कुमार ने कहा कि मीडिया के माध्यम से पता चला कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में नीम पोखर के पास एक तालाब पर कब्जा कर लिया गया है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि तालाब के स्वरूप को बदल दिया गया था। इसके बाद अपर जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में अंतरिम आदेश मिला है कि 19 दिसंबर से पूर्व में जो स्थिति थी उसी स्वरूप में लाना है। आदेश के अनुपालन के लिए हम लोग स्थल पर आए हैं। मामला यह है कि बहुत सारे हमारे मीडिया कर्मियों के द्वारा, जो साथियों के द्वारा जो दिखाया जा रहा था कि सरकारी तालाब चोरी हो गया, तो ये तालाब चोरी नहीं हुआ, इसका स्वरूप बदलने का कोशिश किया गया था। तो समहर्ता महोदय के न्यायालय से हम लोग को आदेश प्राप्त हुआ। मेरे साथ अभी अंचलाधिकारी CO सदर भी हैं। हम लोग अभी पूर्व का जो DM सर का आदेश था कि 19/12/2022 से पूर्व जो स्थिति था उसको बहाल करने का, तो हम लोग उसी के लिए अभी यहाँ पे अभी कार्य प्रगति पे। क्या है सर, स्पॉट पर आपने आया था, क्या देखा और क्या कार्रवाई की? यहाँ पे बांस का एक झोपड़ी बना हुआ था और घेराव कर लिया गया था, अच्छा कुछ मिट्टी का भराव कर दिया गया था, तो हम लोग अभी उस स्थिति को बहाल करवाने की कोशिश में। क्या करेंगे अभी यहाँ पे आप? यहाँ पे हम लोग आप देख रहे हैं कि झोपड़ी और जो बाउंड्री कराया हुआ था उसको हटा चुके हैं, और JCB से अभी जितना मिट्टी का खुदाई करके हम लोग उसको तालाब के जैसा स्थिति में लाने का कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर दोबारा यहाँ अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, प्रशासन हम लोग अभी CO साहब हैं, मापी करा कर इसका हम लोग ये करा देंगे और बोर्ड लगा देंगे ताकि आम जनता को भी पता रहेगा कि यहाँ पे ये जमीन बिक्री का नहीं है या ये कुछ नहीं करेंगे, और उसके बावजूद भी कोई करते हैं तो हम लोग जो भी सुसंगत धारा में उन पे कार्रवाई करेंगे। सर, सरकार का सख्त आदेश है जल जीवन हरियाली को लेकर के कोई पोखर तालाब डबरा नहीं भरा जाएगा, और ये भरा जाता रहा, मीडिया को खबर लग गई, मीडिया ने चलाया, तब प्रशासन की आँख खुली है। प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त नज़र क्यों नहीं रखता? नहीं, प्रशासन की सख्त नज़र थी, लेकिन किसी तरह उन लोगों ने कागज़ ऐसा बना लिया था कि उन पर तत्काल कार्रवाई संभव नहीं था। जब समहर्ता महोदय के न्यायालय से जब आदेश पारित हो चुका है, तब उनके आदेश के आलोक में हम लोग यहाँ पे अब कार्रवाई करने के ये स्थिति में आए हैं, और अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आए दिन शहर में जो है छोटे बड़े तालाब को जो भरा जाता है और अंचल के स्तर से ही प्रक्रिया शुरू होती है, तो नहीं मॉनिटरिंग होने का भी नतीजा है कि इस प्रकार के तालाब और डबरा को भर दिया जाता है, अब बाद में प्रशासन सक्रिय होती है। नहीं तो आम जन से भी अनुरोध रहेगा कि जो जलकर हैं या जो वाटर बॉडीज हैं उनको अपने जैसा ट्रीट करें, क्योंकि ये मतलब आम जनता के लिए लाभ के लिए ये चीज़ है, तो वहाँ पे अतिक्रमण ना करें, और अतिक्रमणकारी जो कोई चाह रहे हैं कि वहाँ पे अतिक्रमण करें या स्वरूप बदलना चाह रहे हैं, तो किसी भी स्थानीय प्रशासन को आप सूचना दे दें, जो राजस्व विभाग। स्थानीय लोगों का कहना रहता है अक्सर जहाँ भी तालाब बिहार में भरे जाते हैं कि लोग प्रशासन से डरते हैं कि प्रशासन के पास खबर जाती है तो जो भरता है उसके पास चली जाती है। इस पोखर को भरने का एक छोटा सा क्लिप 10 सेकंड का वायरल हुआ जिसमें 20-30 आदमी देखा गया था, इतनी बड़ी रोड है, क्या पुलिस की गश्ती नहीं जारी होगी? नहीं नहीं, हम आपको जैसा पहले भी बताएं कि इन्होंने एक कागज बनवा लिया था जिसके ये के कारण जो लीगल ये था कि स्थिति क्लियर नहीं थी कि भूमि किसकी है, तो वो कागज जब DM सर का आदेश से वो जो राजस्व न्यायालय से जिन्होंने अपने पक्ष में आदेश ले लिया था वो उसको निरस्त हो गया, वो स्थगित हो गया है, तभी हम लोग कार्रवाई करने के। सवाल वही है कि जो जमाबंदी हुआ था क्या उस पर कार्रवाई होगी? अगर ये तालाब था और इसका बंदोबस्ती होता था तो क्या जो जमाबंदी किया गया था उन पदाधिकारी के दायरे में है? ये बताइए, हम इसके लिए सक्षम नहीं है आपको जवाब देने के लिए, जो सक्षम पदाधिकारी होंगे आप उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि मामला जिला से हो रहा है, आपको भी इसकी जानकारी रहनी चाहिए कि इस प्रकार के जो कार्य है उस पर अंकुश लगना चाहिए। नहीं बिल्कुल, हमारे राजस्व विभाग में ये करते हैं, लेकिन ये फिशरी डिपार्टमेंट को जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसको हस्तांतरित किया गया है,
और उनके द्वारा जो सूचना अगर ससमय दिया गया रहता तो ये चीज नहीं हो पाता। यही ना था, इसकी जमाबंदी कैसे हुई, कहाँ लेफ्ट साइड आप लोग को नजर आ रहा है, इसकी जमाबंदी कैसे निजी लोगों के हाथ पे चली गई? अब ये जमाबंदी तो मेरे आने से पहले का ही घटना है, तो हम इस पर आपको बहुत ज्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब हम लोग उस लीगल एंगल से बाहर निकल गए कि अब हम लोग यहाँ पे एक्शन ले सके, तब हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं। लगता है जो पहल उस वक्त हुआ था जमाबंदी, वो कहीं ना कहीं गलत थी। अब तो डीएम सर का जो अभी तो ये अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश आएगा उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। नाम बताइए सर। मेरा नाम संजीत कुमार हुआ, भूमि सुधार उप संहर्ता सदर दरभंगा।